हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को स्टार्ट करते हुए हम किसी भी सिंपल कर्व के एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड है। तो इस बाउंडेड कर्व का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। हमने जो यहाँ पे कर्व ले रखा है, इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अगर हमें इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करना है, द ट्राइंगल इज बाउंडेड फ्रॉम द एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 3। अगर हम सिंपल डेफिनेशन में हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो हियर द बेस विल बी इक्वल टू 3 यूनिट एंड हाइट इज ऑल्सो 3 यूनिट। So the area of triangle is 3 multiply 3, it is 9 upon 2 square unit. Okay, next, अगर हम इस integration को करें, because y equal to x, यहाँ पे जो हमने curve लिया है, actually ये y की value को क्या कर रहा है, representation कर रहा है, y is equal to x and the लोअर लिमिट ऑफ द कर्व इज द ऑर्डिनेट फर्स्ट ऑर्डिनेट एंड अपर लिमिट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3। सो अगर हमें इसको इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करें, सो द इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 3, देन 9 अपॉन 2 माइनस ऑफ 0, तो हमारा आंसर कितना आया, 9 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। इट मीन्स ऑफ दैट जो हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एक्चुअली एरिया को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ए विल बी इक्वल टू, ये जो जीरो थी वो हमारी लोअर लिमिट थी और थ्री जो है हमारी अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स मीन्स द वैल्यू ऑफ वाई को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वाई एंड डी ऑफ एक्स। तो यदि हमें किसी भी कर्व का एरिया एट एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी और y इज इक्वल टू x और x एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, द एरिया विल बी इक्वल टू फ्रॉम द लोअर लिमिट a टू b y ऑफ dx से फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमने इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम में देखा, अगर हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है तो हम गिवन कर्व को n रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने 4 रेक्टेंगल में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट अगर हम लें एक्स इज इक्वल टू ए और विथ ऑफ द रेक्टेंगल यदि हम एच लें, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज अवर ए प्लस ऑफ एच। दिस इज अगेन अगर हम यहाँ पे एच लें, तो नेक्स्ट हमारी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो ए प्लस क्या आएगी, टू एच आएगी। अगर ये एक्स इज इक्वल टू ए है तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मीन्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द वाई। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू ऑफ द वाई निकालें, तो वैल्यू ऑफ द वाई हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, एफ ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगी। इस सेकेंड रेक्टेंगल की अगर हम लेंथ को निकालना चाहें, तो सेकेंड रेक्टेंगल की लेंथ हमारी क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, ए प्लस एच। तो वाई की जो वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स मीन्स ऑफ दैट एफ ऑफ ए प्लस एच के पैटर्न में होगी। सेकेंड थर्ड रेक्टेंगल की अगर हम लेंथ को निकालेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस टू ऑफ एच के पैटर्न में होगी। सिमिलरली यदि हम ये फोर्थ रेक्टेंगल की अगर लेंथ को निकालेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस थ्री ऑफ एच के पैटर्न में होगी। तो यदि हम इस रेक्टेंगल के एरिया को निकालें, तो रेक्टेंगल का एरिया विल बी इक्वल टू, हमारे पास ये जो विड्थ है वो एच है और जो लेंथ की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए के इक्वल है। तो मीन्स ऑफ दैट लेंथ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। सिमिलरली सेकेंड रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, लेंथ मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच एंड विड्थ हमारे पास कितनी है, एच। थर्ड रेक्टेंगल का वैल्यू एरिया देखें, तो एफ ऑफ ए प्लस टू ऑफ एच मल्टीप्लाई एच। एंड फोर्थ रेक्टेंगल का वैल्यू देखें, तो एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच मल्टीप्लाई एच। ओके, अभी तो हमने यहाँ पे फोर रेक्टेंगल पैटर्न में डिवाइड वो कर रखा है। जो यहाँ से हमारी ऑर्डिनेट है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है और लास्ट ऑर्डिनेट हमारा क्या है, x इज इक्वल टू बी। इसे हम n स्ट्रिप में यदि डिवाइड करें,
तो बी माइनस ए की जो वैल्यू होगी, टोटल नंबर ऑफ बिट, यहाँ रेक्टेंगल हमने कितना लिया है, अभी 4 लिया है, तो 4 टाइम्स ऑफ एच के पैटर्न में होगा। लेकिन अगर अगर हम एन स्ट्रिप एन रेक्टेंगल्स लें तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, एन ऑफ एच के इक्वल होगा। अगर एन इंफिनिटी की ओर टर्न करे, इफ नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स हैं यदि हम इनफाइनाइट टर्न करें तो देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे हम एन को इन्फिनिटी की ओर टर्न करते हैं, जैसे जैसे हम एन को इंक्रीज करते चले जाएं, एन इज इक्वल टू 13, 14, यानी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो हम ले रहे हैं रेक्टेंगल की, अगर इंक्रीज करते जाएं, इनफाइनाइट वैल्यूज करते जाएं, तो ये टोटल एक्चुअल जो है वो पूरा कवर कर लेगा, एक कर्व के एरिया को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करने लग जाएगा। मीन्स ऑफ दैट, यदि हम एन टैन कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, तो अगर हमें एरिया जो निकालना है वो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर से एक बार यहाँ पे एनिमेशन को देखें। हेंस एरिया विल बी इक्वल टू एच मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए, एच मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए प्लस एच। यदि हम एच जो हमारी स्ट्रिप्स है वो कंटिन्यूस यदि हम टैनिंग टू जीरो करें, तो यहाँ पे अगर हम एरिया लिखना चाहें तो लिमिट ऑफ एस टैनिंग टू जीरो, एच को कॉमन ले लें, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस ऑफ वन ऑफ एच, वेयर एन की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे क्या ले रखे हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि जब तक हम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं करेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगल का जो जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया वो कर के एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मीन्स ऑफ दैट, एन किसकी ओर टैन कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर, एच किसकी ओर टैन कर रहा है, जीरो की ओर, और टोटल बी माइनस ए की जो वैल्यू है वो हमारी एन मल्टीप्लाई एच के इक्वल है, वेयर ए मीन्स ऑफ दैट फर्स्ट ऑर्डिनेट एंड बी मीन्स ऑफ दैट एक्स इज इक्वल टू बी। हेंस द टोटल एरिया ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू, जैसे जैसे हम एन को इंक्रीज करते चले जाएंगे, हमारा जो आंसर आते चले जाएगा, ये टोटल एरिया को क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा। अवेयर यही हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। हेंस जब भी हमें एरिया निकालना है विच इज बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स, तो हम इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। हेंस दिस एरिया एनी फॉर एनी कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस, आवर आंसर इज ए विल बी इक्वल टू ऑर्डिनेट ए टू बी एक्स, दिस इज फॉर द एक्स लिमिट ऑफ द एक्स एंड कर्व इज वाई ऑफ डी ऑफ एक्स। दिस इज अवर फर्स्ट पैटर्न ऑफ द एरिया। अब सेकेंड पैटर्न को देखते हैं। सेकेंड पैटर्न ऑफ इंटीग्रेशन यदि हम देखें, अगर कर्व हमारा वाई एक्सिस से बाउंडेड हो, वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू सी सो वाई इक्वल टू डी, तो हम कर्व की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मीन्स ऑफ दैट, हम एक्स डी ऑफ वाई लिखेंगे। हैंस द टोटल एरिया विल बी इक्वल टू हियर लोअर लिमिट ऑफ वाई मीन्स वाई इक्वल टू सी टू अपर लिमिट ऑफ वाई इज वाई इज इक्वल टू डी एंड कर्व एक्स एंड डी ऑफ वाई, वेयर एक्स की जो वैल्यू होगी वो इन टर्म्स ऑफ हम वाई को क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करते हुए इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ हमें इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, यदि हमारा कर्व एक्स एक्सिस के बिलो डायरेक्शन में है तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये वाई की जो वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू होगी यहाँ पे। हैंस जो एरिया भी आएगा वो फंक्शन हमारा एरिया फंक्शन क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। हैंस जो एरिया हम निकालेंगे तो उसमें हम मॉडुलस वैल्यू को रख देंगे, हमारा जो एरिया होगा y इज इक्वल टू
from ordinate x is equal to a to x is equal to b and the curve is y is equal to x and the axis is x axis, जो total area जो होगा वो हमारा modulus value लेंगे, because जो y अगर नीचे है तो हमारा जो area भी क्या आने वाला है, negative आने वाला है, hence इसे हमें positive लेना है क्योंकि absolute value लेना है. So हम जब भी area निकालेंगे, यदि हमारा curve downward direction of x axis में है तो हमारा जो area का हमें क्या लेना पड़ेगा, absolute value लेना पड़ेगा. पॉइंट हम यहाँ पे ये भी देखें, यदि हमें कर्व दो कर्व गिवन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व गिवन है और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर्व गिवन है. ये जो कर्व है x एक्सिस से बाउंडेड नहीं है. इसके प्रीवियस में जो हमने देखा, जो कर्व का जो एरिया निकालते हैं वो x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी x एक्सिस और कर्व के बीच के बाउंडेड एरिया को निकालते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें कर्व जो निकालना है, इट इज बाउंडेड बिटवीन टू कर्व. तो हमारा जो फर्स्ट एम होगा, हम फर्स्ट जो एरिया निकालेंगे ए वन की, जो वैल्यू होगी हमारी वाई इज इक्वल टू वाई डी ऑफ एक्स, जो हमारा ऑर्डिनेट है एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी. ये हमारा फर्स्ट कर्व, इस एरिया को निकालेंगे. ए वन निकालने मतलब हमारा ये टोटल एरिया आएगा, दिस इज अवर ए वन. अब नाउ सेकेंड अपन ए टू को फाइंड आउट कर लेंगे. ए टू मीन्स ऑफ दैट दिस एरिया which is bounded by the y is equal to g of x and x is equal to a and x axis. ये वाला एरिया को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ए, दिस इज अवर ए टू, सो दिस इज ए टू बी वाई टू ऑफ डी एक्स. यदि हम ए वन में से ए टू को फाइंड माइनस करें तो ये हमारा दो कर्व के बीच के बाउंडेड एरिया को दे देगा. हेंस ए विल बी इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी वाई वन माइनस वाई टू ऑफ डी ऑफ एक्स, वेयर वाई वन इज अपर कर्व एंड वाई टू अवर बिलो कर्व. ओके, तो हम इस मेथड से इंटीग्रेशन का यूज करते हुए किसी भी कर्व के एरियाज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आइए विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन आगे हम इसे समझते हैं. यदि हम फर्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ पे समझना चाहें, हमको क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. एज वी नो दैट क्लास इलेवेंथ में जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन में, और रेडियस हमारी कितनी है, ए. सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ अवर सर्किल वेयर सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस हमारी यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, ए डिफाइन कर रहा है. अब हम जानते हैं कि जो सर्किल है वो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है. सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन मीन्स इसका जो फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया होगा वही एरिया सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, वही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और वही एरिया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. यदि हमें पूरे सर्किल के एरिया को फाइंड आउट करना है तो हम केवल इस पोर्शन के एरिया को फाइंड आउट करें और उसे मल्टीप्लाइड बाई फोर कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो इसके लिए हमने सबसे पहले एक हमारा स्मॉल विड्थ ले लिया, इट इज डी एक्स, हमारा जो कर्व है वो वाई डी ऑफ एक्स, और उसे हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द जीरो टू ए तो हमारा क्या दे देगा, आंसर को, एरिया के आंसर्स को बता देगा. क्योंकि अभी अभी हमने जैसे पढ़ा कि किसी भी कर्व यानी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से, जो कि एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी में अगर बाउंडेड है, इस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट यदि देखें हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई मीन्स यहाँ पे हमें कर्व को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. एज वी नो दैट हियर गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, हेंस द वैल्यू ऑफ वाई इज एक्स ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वाई की जो वैल्यू होगी वो, हेंस द एरिया विल बी इक्वल टू फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई ऑफ डी एक्स. वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर हम ए की वैल्यू को देखें तो सो दिस इज अवर हियर एक्स इज इक्वल टू जीरो, हियर एक्स इज इक्वल टू ए, हेंस द एरिया फ्रॉम जीरो टू ए, the value of y is under root of a square minus of x square d of x. So complete, अगर हमें area निकालना है तो हम a को किससे multiply करेंगे, 4 times से multiply करेंगे,
Hence, the area will be equal to 4 times of 0 to a y of d of x. Now, the integration of under root of a square minus x square is x by 2 under root of a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse x upon a. And lower limit is 0, upper limit is a. यदि हम लोअर लिमिट पहले सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लिमिट वैल्यू को पुट करेंगे द लिमिट वैल्यू ऑफ हेयर फर्स्ट हम क्या पुट अप करेंगे एक्स की प्लेस में क्या पुट करेंगे ए पुट करेंगे तो फोर टाइम्स ऑफ ए अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए माइनस अब लोअर लिमिट को पुट करिए 0 upon 2 under root of a square minus of 0 square plus a square upon 2 sin inverse of 0 upon a. इसको simplify करें तो ये हमारे term 0 हो जाएगी और a upon a it becomes 1. Sin inverse 1 की जो value हमारी आती है, sin inverse 1 is pi by 2. तो first is 4 times a square upon 2 pi by 2. And second देखिए तो ये भी term हमारा 0 होगा. और साइन इनवर्स जीरो भी हमारा क्या होता है जीरो तो ओनली दिस टर्म इज रिमेनिंग हैज आवर इंटीग्रेशन आंसर आफ्टर सिंप्लीफाइंग टू एंड टू कैंसिल फोर कैंसिल सो द एरिया ऑफ सर्किल इज पाई ए स्क्वायर क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू फोर एज वी नो दैट दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ पैराबोला तो सबसे फर्स्ट जब भी हमें एरिया ऑफ किसी कर्व को फाइंड आउट करना है तो सबसे फर्स्ट हम उसका ट्रेसिंग करेंगे सो और दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला अब हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है विच इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू फोर सो दिस इज अवर लाइन वाई इज इक्वल टू फोर हमें टोटल अगर हमें एरिया को फाइंड आउट करना है तो हमें ये टोटल एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है इस टोटल एरिया को हमें निकालना है तो सबसे फर्स्ट हम इस टोटल एरिया को निकालने के लिए हमें केवल ओनली इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे और ये एरिया जो है वाई एक्सिस कर्व एंड वाई इज इक्वल टू जीरो से लेते हुए वाई इज इक्वल टू फोर पे जा रहा है तो हमने देखा कि यदि कर्व एक्स डी वाई y इज इक्वल टू जीरो से लेके y इज इक्वल टू फोर को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारा टोटल एरिया हमें मिल जाएगा x मीन्स ऑफ दैट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वॉट इज द वैल्यू ऑफ द x हियर द गिवन x स्क्वायर इज इक्वल टू y सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ y अगर हम यहाँ पे पुट अप करें तो हमारा ये a1 निकलेगा a1 वन मीन्स ऑफ दैट ये जो एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो a1 वन विल बी इक्वल टू 0 to 4, the value of x is root of y of d of y. अगर हम इसको डबल करें टू टाइम्स कर लें तो हमें कर्व का पूरा एरिया मिल जाएगा जो कि बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू फोर एंड कर्व से पूरा बाउंडेड है और हम इस इंटीग्रेशन को कर लें रूट ऑफ y का इंटीग्रेशन अगर हम कर्व का इंटीग्रेशन करें सो इट बिकम्स टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ y मीन्स y टू द पावर 1 बाई टू सो इंटीग्रेशन ऑफ इट 1 प्लस 1 बाई टू मीन्स 3 बाई टू अपॉन 3 बाई टू 0 टू 4 मीन्स ऑफ दैट इट इज 2 टाइम्स ऑफ 2 बाई 3 ऑफ y टू द पावर 3 बाई टू ऑफ 0 टू 4 पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो इट बिकम्स टू टू ज फोर फोर अपॉन थ्री एंड वाई की प्लेस में अगर हम फोर रखें फोर की पावर थ्री बाई टू मीन्स ऑफ दैट टू टू द पावर टू थ्री बाई टू एंड जीरो जीरो कैंसिल टू टू द पावर थ्री इज एट एंड माइनस ऑफ क्या करना पड़ेगा हमको माइनस ऑफ लोअर लिमिट तो वाई की वैल्यू तो हमारी जीरो है तो रिमेनिंग हमारे पास ओनली बचेगा फोर अपॉन थ्री मल्टीप्लाई एट सो इट इज 32 अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट्स Hence, the area bounded by the curve y equal to x square and the line y equal to 4 is 32 upon 3 square units. Next question, example number 4 ko dekhte hain. Find the area of the region in the first quadrant
which is enclosed by the x-axis and the line y equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखें, किसी भी गिवन क्वेश्चन में एरिया को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें उसे ट्रेसिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 को ट्रेस करेंगे। तो इसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे। और रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना गिवन है? 32। सो द वैल्यू ऑफ द आर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ क्या आएगी आपकी 2। तो सबसे फर्स्ट हम इस सर्किल को ड्रॉ किया एंड देन y इज इक्वल टू x, एक जो लाइन है वो हमारी ओरिजिन से पास होके जाती है। सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कर्व। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एरिया विच इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द x एक्सिस लाइन एंड सर्किल से बाउंडेड एरिया को फाइंड आउट करना है, और जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मीन्स ऑफ दैट हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बी एम जो लाइन है, फर्स्ट हम इस एरिया को निकालेंगे जो कि लाइन एट x इज इक्वल टू 0 से होते हुए, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू तो अननोन है, यहाँ पे x हमारा कहाँ पे जा रहा है उसको देखने के लिए हम दोनों कर्व के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और सेकेंड कर्व हमारा क्या है? y इक्वल टू x। इन दोनों कर्व को यदि हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा कि हमारा किस पॉइंट पे ये कर्व कट रहे हैं। तो y की प्लेस में अगर हम x रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, मीन्स ऑफ दैट 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, हेंस द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4, मीन्स ऑफ दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट हम इस एरिया को निकालेंगे। हम ओनली वन कर्व के द्वारा बाउंडेड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन हम अगर ए वन का एरिया को डिफाइन करें तो ए वन मीन्स ऑफ दैट जो लाइन से बाउंडेड है 0 to 4 एंड वैल्यू ऑफ द y मीन्स ऑफ दैट हियर x। तो y की प्लेस में हम यहाँ पे क्या रखेंगे? x रखेंगे। तो x d ऑफ x ये हमारा फर्स्ट पोर्शन का एरिया आएगा। प्लस अब इस एरिया को देखते हैं, यहाँ पे x कहाँ से जा रहा है? 4 से होते हुए x इज इक्वल टू 4√2 तक जा रहा है। सो द एरिया विल बी इक्वल टू फ्रॉम 4 to 4√2 एंड द वैल्यू ऑफ y यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कर्व जा रहा है इज ए फॉर्म ऑफ सर्किल जा रहा है। हेंस द वैल्यू ऑफ द y फ्रॉम द हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस ऑफ x स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ द y इज अंडर रूट ऑफ 32 माइनस ऑफ x स्क्वायर d ऑफ x। सो अंडर रूट ऑफ 32 माइनस ऑफ x स्क्वायर d ऑफ x। यदि हम दोनों इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द कर्व विच इज बाउंडेड फ्रॉम द लाइन ए 0 से लेके फर्स्ट ये वाला एरिया आएगा प्लस सेकेंड ये वाला एरिया आएगा। तो हम दोनों इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए अपना एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन था y की प्लेस में था आपका x d ऑफ x 0 to 4, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और लोअर लिमिट इज 0 to 4। हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा 8 आएगा। एंड सेकेंड यदि हम देखें, सेकेंड इंटीग्रेशन हमारा था फ्रॉम 4 to 4√2 y की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 32 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट इज 4 to 4√2। इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा सेकेंड आंसर आता है 4π-8। अगर हम टोटल उसको ऐड करें कंप्लीट, जो हमारा फर्स्ट एरिया और सेकेंड एरिया, फर्स्ट एरिया इज 8 एंड सेकेंड हमारा जो एरिया आया था, सेकेंड एरिया विल बी इक्वल टू 4π-8। यदि ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर आएगा 4π। तो इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।